हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्रत में बनने वाला बहुत ही आसान नाश्ता, जो कि आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। व्रत में तो सबको चटपटा और तीखा खाने का मन होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से बन जाता है, 5 मिनट में ही बन जाएगा आपका ये नाश्ता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरोज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। तो चलिए रेसिपी चालू करते हैं। मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है, जिसको मैंने पहले ही 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। फिर मैंने लिया है यहाँ पे मूंगफली भून कर लिया है, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, इसको आप ज़्यादा बारीक ना पीसे। फिर भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच के आसपास मैंने लिया है अदरक, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है। फिर मैंने 5 लिए है उबला हुआ आलू। अब अपने हम साबुदाना को एक बड़े बाउल में डालेंगे, जिससे हमें इसे मिलाने में आसानी हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा साबुदाना कितना अच्छे से फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। आप हमें इसी तरह का साबुदाना चाहिए, इतना ही भिगोना है। यहाँ पर मैं अपना उबला हुआ आलू ले रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ का आलू ले रहे हैं और थोड़ा कड़क आलू है, तो आप उसे कद्दूकस कर लें। मैंने आलू को ज़्यादा उबाल लिया है, इसके लिए कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है, आलू एकदम नरम है। फिर यहीं पर डालूंगी मैं अपना कूटा हुआ मूंगफली, अदरक, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है, आप चाहें तो पेस्ट यूज कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी मिर्च मैं ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, तीखा बना रही हूँ, तीखा अच्छा लगता है। 1 चम्मच ले रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा पाउडर, मैं पुआ सारा नमक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये सेंधा नमक नहीं खाते हैं तो। अब इस सारे को अच्छे से हम मिला लेंगे। इसे तब तक हम मिलाएंगे जब तक कि सारे मसाले और साबुदाना आलू जो है अच्छे से मिल ना जाए। यह मैंने अच्छे से मिला लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इस तरह का सानी कि आप जब लोई बनाएं तो आराम से बहुत ही गोल बन जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने हाथ में तेल लगा लिया है, आप चाहें तो घी लगा लें, और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और हथेलियों के बीच हम दबाकर एक टीके का आकार देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप पहले आप लड्डू जैसा बनाएं, फिर हाथों की मदद से हथेलियों में दबा के हम टिक्की जैसे बनाएंगे। आप चाहें तो इसे साबुनदाना का वड़ा या टिक्की बोल सकते हैं। ऐसे ही सारे हम अपनी टिक्की बना लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे टिक्की बना लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने पैन रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, उसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच तेल। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो घी का यूज करें या रिफाइंड तेल का यूज करें, सरसों का तेल ना यूज करें। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके अपने हम सारे टिक्की को डाल देंगे। आपको फ्लेम जो है हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे थोड़े। वरना अगर आप हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो कलर जल्दी चेंज हो जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, और भी क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। अगर आपको कम ऑयल खाना है तो आप ऐसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा जो टिक्की का कलर था एक साइड से चेंज हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे और दोनों साइड से पकाएंगे। यहाँ पे हमारा जो टिक्के का, जैसे आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, इसी तरह का हमें दूसरे साइड भी फ्राई करना है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम फिर से फ्राई करेंगे जब तक कि इस साइड भी कलर चेंज ना हो जाए हमारे टिक्की का। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे साइड भी हमारा टिक्की जो है पक चुका है। और टिक्की जब आप फ्राई करेंगे फूकने लगते हैं जब पक जाएंगे, तो यही हमारी पहचान है टिक्की का पकने का। अब एक एक करके हम सारे टिक्की को निकाल लेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ टिक्की था उसको भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे और भी व्रत के रेसिपी डाला है, जैसे कि मैंने सेव का हलवा डाला है, साबूदाना खिचड़ी डाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। और मैं नई नई रेसिपी व्रत की लाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम अपने वड़े को पलट लेंगे। यहाँ पर हमारा बड़ा जो है फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे।
अपने सारे बड़े को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। मैंने सारा बड़ा फ्राई कर लिया है, वह हम चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए मैंने अब लिया है फ्रेश हरा धनिया, 1 से 1.5 इंच का उसमें मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, हरी मिर्च लिया है, हरी मिर्च मैं थोड़ा तीखा वाला ले रही हूँ चटनी तीखा बनाने के लिए, 1/2 नींबू का रस। यहाँ मैं ले रही हूँ सेंधा नमक, क्योंकि मैं उपवास वाला चटनी बना रही हूँ। अगर उपवास का आप नहीं बना रहे हैं तो लहसुन का यूज कर सकते हैं। अपने इसको ग्राइंड कर लिया है, अपनी चटनी को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे साबूदाना तैयार, साबूदाना का टिक्की तैयार है, जिसे कि आप देख रहे हैं दिखने में कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों तब तक के लिए बाय, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।